हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूं विंसेंजो ड्रामा, जो कि 2021 में हाल ही में रिलीज़ हुई है। ये ड्रामा 2021 में रिलीज़ होने के बाद मोस्ट पॉपुलर कोरियन ड्रामा बन चुका है। आज इस ड्रामा की मैं पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करूँगा, साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि ये पूरा ड्रामा आप कैसे बहुत ही आसानी से बिल्कुल फ्री में कैसे देख सकते हैं। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस कहानी में हमारा मेल एक्टर, जिसका नाम मिस्टर विंसेंजो कसानो होता है, वो एक इराक फैमिली के, माफिया फैमिली के, मिस्टर कसानो फैमिली के लॉयर होता है। वो उन्हें सजेस्ट करता है, मतलब हर मुसीबत या परेशानी से निकालने का इसमें काम करता है। वहीं हमारी फीमेल एक्टर एक साउथ कोरिया की बहुत बड़ी लॉयर होती है। तो हमें ये दिखाया जाता है कि स्टार्टिंग के सीन में ही एक बहुत बड़े माफिया का डेथ हो जाता है, और हमें यहाँ पता चलता है कि जिसके अंदर मिस्टर कसानो काम कर रहा होता है उसी का ऑनर वो डेट हो गया होता है, और उसका बेटा अब उस गद्दी के लायक नहीं होता। तो मिस्टर कसानो, जो कि हमारा इस ड्रामे का मेल है, फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो मिस्टर कसानो फैमिली से, जो कि माफिया का फैमिली है, वो से अब रिटायर ले लेगा। एंड वो फिर वो अपने उसके बेटे को, मतलब उसके कहता है कि अब तुम अपने बाप की तरह नहीं हो, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं इस सिचुएशन से, मतलब कि जो कि वो लॉयर का काम करता था, उसे अब वो रिटायरमेंट ले रहा है। और रिटायरमेंट लेने के बाद वो साउथ कोरिया चल जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक बाबिल कंपनी को, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी होती है, जो कि एक बहुत बड़े बिल्डिंग को गिराना चाहती है। उसी बिल्डिंग में हमारे फीमेल एक्टर मिस होनसोंग काम करती है, जो कि एक लॉयर होती है। वो नहीं चाहती है कि वो बिल्डिंग गिराया जाए। साथ ही साथ उस बिल्डिंग में कुछ लोग रह रहे होते हैं जो कि मिस्टर होनसोंग का साथ देते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे जो मेल एक्टर जो होता है मिस्टर विंसेंजो कसानो, उसी बिल्डिंग में आके रहने लगता है, और वो भी नहीं चाहता है कि ये बिल्डिंग को गिराया जाए, जबकि वो इस बिल्डिंग को ना गिराने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी करता है। यहाँ पर कई सारे हमें सवाल पैदा होते हैं कि एक माफिया में रह रहा लड़का इंसान क्यों आता है इन लोगों के बीच, इन लोगों की मदद करता है, और काफ़ी ज़्यादा बाबिल कंपनी के लोग भी इससे ज़्यादा परेशान होते हैं। फिर आगे कहानी में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा मेल एक्टर होता है, वो काफ़ी सालों पहले उसी बिल्डिंग के नीचे काफ़ी सारा सोना छुपा के रखा होता है, जिसका अमाउंट कब लगभग 7000 करोड़ के पास होता है, जो कि विंसेंजो नहीं चाहता कि अगर वो बिल्डिंग टूट जाएगा तो उसको पता चल जाएगा सभी को कि इसके नीचे सोना है, इसलिए वो नहीं चाहता था कि ये बिल्डिंग टूटे। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इस हमारे जो ड्रामा में जो हमारा विलेन है, वो काफ़ी ज़्यादा संकी टाइप का होता है। वो अपनी जगह अपने सौतेले भाई को बैठा के पीछे सभी काम कर रहा होता है। वो किसी भी इंसान को मारने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचता। वही हमारा विंसेंजो कसानो, जो हमारा मेल एक्टर है, वो भी कुछ कुछ उसी की तरह होता है। वो लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। ये ड्रामा मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर रखा है, अगर आपको ये ड्रामा देखना है तो डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। फिर हम कहानी देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा नोकझोंक होने के बाद फिर फाइनली हमारा पोजीशन इस कहानी पे पहुँच जाता है कि विंसेंजो को ना चाहते हुए भी धीरे धीरे लोगों को अपने पक्ष में लेना पड़ता है। वहीं जो बाबिल कंपनी का जो ऑनर होता है, यानी कि हमारा मेन विलन होता है, जिसका नाम जियन सोंग होता है, वो किसी भी हाल में मिस्टर विंसेंजो कसानों को हराना चाहता है, और साथ ही साथ वो टावर को गिराना चाहता है। फिर फाइनली एक समय ऐसा आता है कि उसे भी पता चल जाता है कि इस बिल्डिंग के नीचे काफ़ी सारा सोना रखा हुआ है, जिसे वो वापस हासिल करना चाहता है। फिर इस कहानी में हमें ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि वो विलेन, यानी कि जो संकी टाइप का विलेन है, वो उस कसान सोने को हासिल कर पाता है, या हमारा मेल एक्टर उस कसाने को हासिल कर पाता है, या वो सोना किसको मिलता है या किसको नहीं मिलता है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होगा। इसके टोटल 20 एपिसोड हैं, और हर एक एपिसोड आपको एक अलग ही मज़ा देंगे। ये ड्रामा मैं आपको हाईली से हाईली रिकमेंड करता हूँ। अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो ये ड्रामा आप ज़रूर से ज़रूर एक बार तो ज़रूर देखें। ये ड्रामा 2021 में रिलीज़ होने के बाद, जैसे कि मैंने कहा कि ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ड्रामा बन चुका है। अगर आपको इस ड्रामा का फुल एपिसोड चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको आगे का और भी वीडियो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर सकूँ। और इसी तरह का और भी वीडियो जानने के लिए आप मुझे कमेंट करें, लाइक करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।